गुड इवनिंग एवरी वन. नाउ इन दिस वीडियो आई हैव टू डिस्क्राइब यू अबाउट द UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विच इज़ डिफाइंड इन आर्टिकल 315 टू 323 इन पार्ट 14th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है और ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ठीक है, उसके बाद ही क्या होता है कि हमारे इसके अंदर मतलब गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है ना, एक ऐसी बॉडी होती है जो ना स्टैट्यूटरी होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन होती है. स्टैट्यूटरी वो होती है जो पार्लियामेंट करती है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वो होती है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिस्क्रिप्शन होता है. और जो ना ही स्टैट्यूटरी होती है ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, वो होती है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, जैसे कि नीति आयोग. ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर UPSC होता है उसके अंदर जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट के बेस पे होता है. अब हम इसके बाद इसके कॉम्पोजिशन, उसके अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो आर्टिकल 315 से 323 के अंदर प्रेस्क्राइब किए गए हैं. सबसे पहले हम इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं. एक चेयरमैन होता है और कुछ उसके नीचे मेंबर्स होते हैं. जो प्रेसिडेंट है वो ये डिटरमाइन करेगा कि कितने मेंबर्स की यहाँ पर जरूरत है, UPSC के अंदर कितने मेंबर्स की जरूरत है, ये प्रेसिडेंट वो प्रेस्क्राइब करता है. जैसे कभी 9 से 11 मेंबर्स हो गए, इतने मेंबर्स हो गए. वो होता है कि जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया जितने ज़्यादा बर्डन होगा उतने ज़्यादा मेंबर्स वो अपॉइंट कर देगा. ठीक है, उसके बाद दिया होगी इसके कॉम्पोजिशन. फिर आती है बात क्वालिफिकेशन की. क्वालिफिकेशन इसका मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन ये बात बोली गई है कि वन हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन शुड बी सच पर्सन हु हैव हेल्ड द ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर. वन हाफ जो मेंबर होंगे, जैसे समझ लो 7 मेंबर्स, 7 में से जो 4 मेंबर्स लगा लो, वो ऐसे पर्सन्स वो होने चाहिए जो जिन्होंने कम से कम 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर अपनी मतलब कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी करी होगी. तो वहाँ से हाफ मेंबर्स हम उनको क्वालिफाइड भी कर सकते हैं, हाफ जो मेरिट बेस के ऊपर आएंगे. फिर अब बात आती है उसकी टेन्यूर की, टर्म्स की. जो चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर एंड अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर. या तो वो 6 साल का टेन्यूर पूरा कम्प्लीट कर गया 65 ईयर से इसका. फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि अगर कोई पर्सन 62 की एज के अंदर रिक्रूट हुआ तो 65 ईयर सबसे पहले आएगी, तो उसमें मतलब हो जाएगा क्या कहते हैं उसको मतलब अपना टेन्योर उसका खत्म कंप्लीट हो जाएगा. अगर किसी पर्सन ने 50 ईयर्स की एज के अंदर अगर वो एज ए चेयरमैन रिक्रूट हुआ है, एज ए मेंबर रिक्रूट हुआ है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली 56 की एज के अंदर उसको वहाँ पे उसका जो टेन्योर होगा वो ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद हाउएवर दे कैन रिलिंक्विश देयर ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग देयर रिजाइनेशन टू द प्रेसिडेंट. क्या होता है कि वो अपने अगर उन्हें रिजाइनेशन देना है किसी भी मेंबर ने, वो प्रेसिडेंट को देंगे. ठीक है, दे कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वो रिमूव भी किए जा सकते हैं जो मतलब उनकी एक्सपायरी मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा उसके टेन्योर कंप्लीट होने से पहले भी ये प्रेसिडेंट जो है वो उनको रिमूव करेगा. ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है. और जो प्रेसिडेंट है कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर ऑफ द UPSC एज एन एक्टिंग चेयरमैन इन द फॉलोइंग टू सर्कमस्टांसेस. प्रेसिडेंट क्या है, किसी भी मेंबर को UPSC के एक्टिंग एज अ चेयरमैन के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं 2 सर्कमस्टांसेस के अंदर. व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन फॉल्स वेकेंट, जब जो ऑफिस होगा चेयरमैन का वो क्या कहते हैं खाली होगा. व्हेन द चेयरमैन इज अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शन ड्यू टू अब्सेंट और सम अदर रीजन, या फिर किसी भी वजह से चेयरमैन अब्सेंस रहता है और अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता. द एक्टिंग चेयरमैन फंक्शंस टिल अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंटर्स ऑन द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टिल द चेयरमैन इज एबल टू रिज्यूम दिस ड्यूटी. मतलब एक चेयरमैन ऐसे फंक्शन का काम करे जब तक कि कोई और वो एक्टिंग चेयरमैन तब तक वो चेयरमैन का काम करेगा जब तक कि एक जो दूसरा चेयरमैन अपनी ड्यूटीज़ के लिए असाइन नहीं किया जाता, या फिर जो अब्सेंस रहा है इतने टाइम तक वो अपनी ड्यूटीज़ को रिज्यूम नहीं कर लेता. फिर आता है रिमूवल. प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा इनको, चेयरमैन और किसी भी मेंबर को UPSC के
ये कुछ तीन सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, इफ़ ही इज़ एडजस्ट ऑन इंसॉल्वेंट, अगर वो बंदा बैंक करप्ट हो जाए, और इफ़ ही इज़ इन द ऑप्शन ऑफ द प्रेजिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू द ऑफिस बाय रीजन ऑफ इनफॉर्मेटी ऑफ माइंड, जब कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का हो जाए तो प्रेजिडेंट उसको निकाल सकता है। उसके बाद इफ़ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, अगर वो कोई ऐसा काम के अंदर है जिसके अंदर पेड एम्प्लॉयमेंट हो आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, पेड एम्प्लॉय मतलब किसी ऐसे पेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर चला गया जिससे प्रॉफिट कमा रहा है, तो भी वो यहाँ से निकाल दिया जाएगा प्रेजिडेंट के द्वारा। लेकिन एक और पॉइंट आ गया जिसमें भी जो प्रेसिडेंट है वो निकाल देता है, जैसे कि मिसबिहेवियर की वजह से, बट के जो सुप्रीम कोर्ट ने वो मिसबिहेव की वजह से निकाल सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के ये केस रेफर करना पड़ेगा, और जैसे सुप्रीम कोर्ट का लगेगा भी हाँ सच में इस बंदे ने मिसबिहेव किया है, मिसबिहेव कैसे, जैसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटरेस्ट होना या पार्टिसिपेट करना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो मिसबिहेवियर होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा तो उसको सस्पेंड किया जाएगा या डिसमिस करा जाएगा। और इज अ डिफरेंस बिटवीन सस्पेंड एंड डिसमिस, सस्पेंड होता है टेम्परेरी, डिसमिस होता है परमानेंटली, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसके अंदर लास्ट ही आएगा इन मिसबिहेवियर के केस के अंदर। फिर आता है पॉइंट इंडिपेंडेंस का, चेयरमैन होते हैं जो मेंबर होते हैं यूपीएससी के, रिमूव किए जाते हैं ऑफिस से बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर, जो मैनर बताया गया है और जो ग्राउंड्स बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर और इसी वजह से वो जो इंजॉय करते हैं मतलब प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे ग्राउंड्स के ऊपर, ठीक है, इसीलिए वो अपनी जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर है वो इंजॉय करते हैं, अगर वो कोई ऐसा काम नहीं करते तो रिमूव नहीं किए जाएंगे। फिर वो कहता है जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज है चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी के, तो डिटरमाइन की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, एंड कांट बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, जो कंडीशन है सर्विस की जो चेयरमैन की और जो मेंबर ऑफ यूपीएससी ने हैं डिटरमाइन किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड कांट बी वैरिड भी नहीं होगी टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, कांट बी वैरिड भी नहीं होगी मतलब क्या कहते हैं टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। उसके बाद आता है the entire expenses including the salary and allowances and pensions of the chairman and the member of the UPSC वो चार्ज किए जाते हैं जो उनको सैलरीज वगैरह मिलती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और दस दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। और उसके बाद जो ये इसकी इंडिपेंडेंसी इसके अंदर एक्चुअल में शो इस बात से करती है कि जब ये मेंबर्स चेयरमैन जब ये अपने टेन्यूर कंप्लीट कर लेते हैं वो दोबारा किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, इसलिए ये अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं, जिसकी वजह से इम्पार्शियलिटी आती है और पार्शियल नहीं होते गवर्नमेंट्स के रिगार्डिंग, इसीलिए यहाँ पे इंडिपेंडेंसी आती है। जो चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के वो होल्ड करते हैं ऑफिस को या छोड़ भी सकते हैं, इज नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो मेंबर है यूपीएससी के मेंबर चेयरमैन का भी ऐसे होता है, मेंबर ऑफ यूपीएससी जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एज अ चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बट नॉट फॉर एनी अदर, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए होते हैं लेकिन किसी और सर्विस जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर उसके लिए नहीं होंगे। फिर आती है बात जो चेयरमैन और द मेंबर ऑफ द यूपीएससी इज आफ्टर हैविंग कंप्लीटिंग हिज फर्स्ट टर्म, जो अपना फर्स्ट टर्म कंप्लीट कर लेते हैं नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस, दैट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड टर्म, उसी ऑफिस के अंदर वो दोबारा से नहीं अपॉइंट किए जाएंगे। फिर इसके बाद इसके आते हैं कुछ फंक्शंस जो बोलते हैं, इट कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विस ऑफ द सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी, जो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है ऑल इंडिया सर्विसेज लेवल पे, सेंट्रल सर्विसेज लेवल पे, पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज लेवल के ऊपर। फिर आता है अगला फंक्शन इसका, ये असिस्ट करता है स्टेट्स को इफ रिक्वेस्टेड बाय टू और मोर स्टेट टू डू सो, अगर दो से दो ज़्यादा स्टेट्स को भी असिस्ट करता है फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग द स्कीम ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट, दोनों स्टेट को मिला के अगर तुम रिक्रूटमेंट भी करो, क्योंकि कहीं पे कुछ सर्विसेज जो होती हैं कैंडिडेट की वो स्पेशल क्वालिफिकेशन जिसमें चाहिए होता है, ठीक है,
ऐसे में जो स्टेट पीएससी है वो यूपीएससी से चाहे तो वो क्वेश्चंस भी पूछ सकती है, कंसल्टेशन लेना चाहे तो ले सकती है। उसके बाद अगला फंक्शन है, इट सर्व्स ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे जो नीड्स हैं स्टेट की उनको सर्व करता है अगर स्टेट गवर्नर रिक्वेस्ट करता है, और अप्रूवल इसमें ली जाती है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के यूपीएससी से कंसल्टेशन लेने के लिए अगर स्टेट ने लेना है तो। उसके बाद अगला फंक्शन आता है, इट इज़ कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट, मतलब पर्सनल मैनेजमेंट के ग्राउंड्स के ऊपर भी ये क्या कहते हैं कंसल्टेशन दे सकते हैं। ऑल मैटर जो रिलेट करता है मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट, उनसे ये कंसल्टेशन ले सकते हैं। और जो भी और जो प्रिंसिपल्स जो फॉलोड किए जाते हैं इन मेकिंग द अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एंड द पोस्ट, इन मेकिंग प्रमोशन एंड ट्रांसफर से रिगार्डिंग भी वो यहाँ पे इनसे यूपीएससी से कंसल्टेशन ले सकते हैं फ्रॉम वन सर्विस टू द अनदर। उसके बाद आता है जो सूटेबिलिटी होती है कैंडिडेट्स की फॉर द अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एंड द पोस्ट फॉर द प्रमोशन ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर एंड अपॉइंटमेंट बाय द ट्रांसफर ऑफ डिपुटेशन ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट मेक अ रिकमेंडेशन फॉर द प्रमोशन एंड रिक्वेस्ट द यूपीएससी टू रेटिफाई देम। जैसे प्रमोशन से रिगार्डिंग हो गया, उनको ट्रांसफर करना है, उनको कोई डिपुटेशन कुछ डिपार्टमेंट से कुछ कंसर्न लेनी है, तो यूपीएससी को बोलेगा कि तू इस चीज़ को रेटिफाई कर दे। ठीक है, जो सारे डिसिप्लिनरी मैटर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे क्या कहते हैं जो सिविल सर्विसेज के कोई भी मैटर होंगे वो यूपीएससी के पास एक बार रेटिफाई या कंसल्टेशन के लिए जा सकते हैं, सीधी सी बात है। उसके बाद जो सारे डिसिप्लिनरी मैटर्स है जो अफेक्ट करते हैं किसी भी पर्सन को सर्व करने के लिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ए सिविल कैपेसिटी, किसी भी सिविल कैपेसिटी में जो इंक्लूड करते हैं मेमोरियल और पिटिशंस को जो रिलेट करते हैं इन मैटर से, जो सारे डिसिप्लिनरी मैटर हैं जो किसी भी पर्सन को इफेक्ट कर रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइड करते टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिविल कैपेसिटी में, जो मेमोरियल्स और पिटिशंस को इंक्लूड करते हैं जो रिलेट करते हैं इन मैटर्स को, वो यहाँ पे इंक्लूड करते हैं सेंसर से, जैसे सेवरे डिसअप्रूवल, विदहोल्डिंग द इंक्रीमेंट, विदहोल्डिंग द प्रमोशन, रिकवरी ऑफ पेक्यूनरी लॉस, रिडक्शन टू द लोअर सर्विस और रैंक, डिमोशन, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम द सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस। ठीक है, उसके बाद एनी क्लेम फॉर द रीएम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सिविल सर्वेंट इन डिफेंडिंग द लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट्स डन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। कोई भी क्लेम रीएम्बर्समेंट ऑफ लीगल किसी भी लीगल एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो इंक्योर्ड किया जाता है किसी भी सिविल सर्वेंट के द्वारा, जब कोई डिफेंस लेना हो उसने लीगल प्रोसीडिंग के अंदर जो उसके अगेंस्ट हुई गई है, तो वो इसके अंदर जो एक्ट जब तक कि उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं हो जाता कि हाँ इस बंदे ने काम किया हुआ, तब तक कोई उसको सस्पेंड नहीं कर सकता उसकी ऑफिशियल ड्यूटी, तब तक वो अपना काम अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को एग्जीक्यूट करता रहेगा। उसके बाद एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ अ पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी सस्टेन बाय अ पर्सन, या कोई भी क्लेम जो अवार्ड के किसी भी मतलब पेंशन के रिगार्डिंग होगा या इंजरीज किसी पर्सन को लगी जब ड्यू टू द जैसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जो कोई भी क्वेश्चन होगा इस अमाउंट का उसको उसको अवार्ड्स वगैरह भी मिले जाएंगे। उसके बाद मैटर्स ऑफ टेम्परेरी अपॉइंटमेंट फॉर पीरियड एक्सीडिंग द वन ईयर ऑन रेगुलराइजेशन अपॉइंटमेंट, जो कोई टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स होगी जैसे चेयरमैन की हमने पहले बात की थी वो एक साल तक होगी। ठीक है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू कंसल्ट द यूपीएससी इन द मैटर मेंशनड अबव, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर क्या कहते हैं फेल्ड उसने ये कह दिया कि अगर गवर्नमेंट फेल कर मतलब कंसल्ट नहीं करती यूपीएससी से जो कुछ मैटर्स जो ऊपर बताए गए थे अभी, द एग्रीव्ड पब्लिक पर्सन हैज नो रेमेडी इन अ कोर्ट, तो एग्रीव्ड जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, उसको कोर्ट कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा अगर वो प्रूफ ही नहीं कर पाया कि उसको जो इंजरीज वगैरह मिली हैं वो उसके सर्विसेज के देने के वक्त मिली हैं। ठीक है, द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ यूपीएससी कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट, जो ज्यूरिस्डिक्शन होती है यूपीएससी की वो एक्सटेंड करती है जो एक्ट क्या कहते हैं पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। द यूपीएससी प्रेजेंट एनुअली टू द प्रेजिडेंट अ रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस, प्रेजिडेंट को यूपीएससी टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स भी भिजवाती हैं। ज्यूरिस्डिक्शन जो है यूपीएससी की वो पार्लियामेंट तक एक्सटेंडेबल है, और जो प्रेजिडेंट है प्रेजिडेंट प्लेसेज दिस रिपोर्ट बिफोर, प्रेजिडेंट के पास जो रिपोर्ट आएगी वो दोनों हाउसेस के सामने रखेगा विद
विद मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द केसेस, और जहाँ पे एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, एडवाइस ऑफ द कमीशन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो एडवाइस होती है कमीशन की वो एक्सेप्टेड नहीं होती, इसका कुछ रीजंस होते हैं नॉन एक्सेप्टेंस के, इसलिए उसको कमीशन की जो एडवाइस होती है वो एक्सेप्टेंस होती है। बाकी दोनों हाउसेज के जो वो होते हैं पार्लियामेंट के हाउसेज हैं उनकी जो एडवाइस वो ली जाती है। फिर इसकी लिमिटेशन आती है, वाइल मेकिंग द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और द पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन, कोई रिजर्वेशन के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट करनी हो तो बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन के लिए हैपनिंग कुछ वो है। वाइल टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन मेकिंग एप्लीकेबल टू द सर्विसेज एंड पोस्ट, और विद रिगार्ड टू द शेड्यूल विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन फॉर द चेयरमैनशिप और मेंबरशिप ऑफ कमीशन, और जो ट्रिब्यूनल है या फिर जो पोस्ट है हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर की या फिर एक बल्क ऑफ ग्रुप सी ओ डी सर्विसेज की, उसके बारे में भी जो सिलेक्शन और चेयरमैनशिप है वो भी ऐसे बताई गई है, मतलब कमीशन ट्रिब्यूनल ऐसे होगा। उसके बाद कुछ इसका रोल बताया, उसके बाद वो बताया हुआ है विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन फॉर द टेम्प्रेरी और ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट, कोई भी टेम्प्रेरी ऑफिशिएटिंग पोस्ट के लिए, इफ द पर्सन अपॉइंटेड इज नॉट लाइकली टू होल्ड द पोस्ट फॉर मोर देन ए ईयर, अगर कोई पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया एक साल से ज़्यादा वो नहीं वहाँ पर रह सकता, तो वहाँ पर दोबारा से सिलेक्शन किया जाएगा और बॉडी का। जो प्रेजिडेंट है वो एक्सक्लूड कर देता है कुछ पोस्टों को, जैसे कि सर्विस मैटर से रिलेटेड यूपीएससी के परव्यू से, लेकिन जो सारी रेगुलेशंस बनाई जाती हैं प्रेजिडेंट के द्वारा वो हर हाउस के सामने रखी जाती हैं, 14 दिन तक तो रखी जाती हैं। फिर इसका रोल क्या है यूपीएससी का, वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम, ये सारा मेरिट सिस्टम को देखता रहेगा। रिक्रूटमेंट जो होगी ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल ग्रुप का जो ए और बी है, और जो एडवाइस होती है गवर्नमेंट को जो वो सब देखी जाएगी, और व्हेन कंसल्टेड ऑन द प्रमोशन और डिसिप्लिनरी मैटर, कंसल्ट किया जाएगा प्रमोशन डिसिप्लिनरी मैटर से। और जो रोल होगा यूपीएससी का वो लिमिटेड नहीं है, बट आल्सो रिकमेंडेशन मेड बाय इट आर ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर, लेकिन जो रोल है यूपीएससी का सब कुछ रिकमेंडेशंस के लिए एडवाइजरी नेचर में इसका चलता है एंड नॉट बाइंड पर, लेकिन ये बाइंड नहीं होता गवर्नमेंट के ऊपर। जो पर लिमिटेशंस बताई गई हैं, ये इनका इतना काम इनको दिया हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक यूपीएससी ब्रॉड कंसेप्ट है।